हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों फाइनली आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आज हुआ है सेकंड शिफ्ट का, इसका हम एनालिसिस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। 24 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसका पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पुराने वीडियोज़ हमने प्ले लिस्ट में डाले, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर है। और गाइज यहाँ पर हमारे पास में पूरे के पूरे आपका पेपर आ चुका है, यहाँ पर ऑल आंसर हम आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। तो आप सभी को पहले हम जीके उसके बाद में हिंदी का जो पेपर है ये सोल्व करवाएंगे। आप सभी इस चैनल पर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। जीके का जो पहला क्वेश्चन है उससे यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जीके का जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 94 नंबर पर, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जो है ये जिम्मेदार है। बेसिकली यहाँ से ये आपका क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार संगठन है इसका नाम अगर अपन बात करें तो आपका करेक्ट आंसर UNDRR हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए एक संगठन है जिम्मेदार, UNDRR, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन है हमारा इन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। अब ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में एक और पुस्तक से रिलेटेड ए डार्कनेस ऑफ लाइफ इस तरह से, या फिर ए एरा ऑफ डार्कनेस इस तरह से, तो याद रखिएगा आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इन एरा ऑफ डार्कनेस इसका नाम है, और ये जो पुस्तक लिखी है ये किसने लिखी है, ये लिखी है शशि थरूर ने, शशि थरूर इनका नाम है, या डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है G20 देशों में जी का जो अक्षर है, जी अक्षर इसका अर्थ क्या है। तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है, G20 का ग्रुप ऑफ 20। ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको कवर करवाया, अभी हाल ही में जो लास्ट क्लास ली थी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने आपको कवर करवाया था। ग्रुप ऑफ 20 आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रयोग रहेगा, यानी कि क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार, प्रयोग सिद्ध, या आपका डी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। तो ये जो योजना है किसको संदर्भित करती है, ये योजना संदर्भित करती है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये योजना का PURA यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया इसका फुल फॉर्म है पूरा का। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना ये इसको संदर्भित करता है, तो डी ऑप्शन इसको करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये कौन सा है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा एक कौन सा, राजस्थान, आपका यहाँ से नंबर बी राजस्थान जो है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो नरोरा जो परमाणु संयंत्र है विद्युत संयंत्र, ये यूपी जीके से क्वेश्चन बना है आपका, ये देखने को मिलता है बुलंदशहर में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, यानी कि यूके की मुद्रा आपसे पूछिए, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, लंदन, है ना, यहाँ पर आपको बताना है इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा, तो ओल्ड पौंड स्टर्लिंग हो जाएगी, पौंड स्टर्लिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछा है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जो गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है वो होती है ग्रीन हाउस गैस, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, उससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आपको कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है गाइस तो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है और कम से कम प्राइस में अब आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम में 500 से अधिक टेस्ट डाले हैं, जिसमें से 280 टेस्ट और हमने चैप्टर वाइज में डाले ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप जरूर से जाकर वहाँ से जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा, और अभी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है तो आप एक बार जरूर से डेमो चेकअप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर आ चुका है आपका, क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या आपको बताना है, या कि द आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन
टू एवरी रजिस्टर्ड जो सप्लायर्स हैं इस, तो इनको जो पहचान संख्या दी गई है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है? आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा GSTIN, GSTIN आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल जो शुरू की गई, ये शुरू की गई सन 2018 में, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो मनाया जाता है ये 21 सितंबर, 21 सितंबर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछे इंदिरा गांधी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का जो है उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993, 1993 में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 28 सितंबर 1993। अगला क्वेश्चन भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया। तो भारत में कैशलेस जो अर्थव्यवस्था है ये भारत सरकार की कौन सी पहल थी जिसके तहत इसको बढ़ाया गया? तो ये जो पहल थी ये कौन सी थी? ये पहल थी डिजिटल इंडिया पहल, इसके तहत कैशलेस जो अर्थव्यवस्था थी इसको बढ़ाया गया, तो ये ऑप्शन डिजिटल इंडिया करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक संहिता को, आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। बाकी महाभारत अर्थशास्त्र मनुस्मृति अलग ही है, ये आपका चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो आयुर्वेद का विज्ञान इसको कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल कौन सा है ये आपको बताना है, आर्टिकल से आपका लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, आर्टिकल हो जाएगा 243। 243 अनुच्छेद पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है, आपका बी ऑप्शन सेवा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 मार्च को, 23 मार्च के ऑप्शन ही। गाइस यहाँ पर जो दिवस वाला आपका जो क्वेश्चंस बन रहे काफी ज्यादा बन रहे हैं, हर समय 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो हम इसके लिए जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा ये दिवस वाला रहेगा, तो इस दिवस को आप जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि लगातार 2 से 3 क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में आपके बन रहे हैं। और इसके अलावा भी और कोई टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो तो आप जल्दी जल्दी कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है SAC कोड, यानी कि SAC कोड कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको दे रखा है ब्लैंक डिजिट, यानी कि कितने डिजिट में ये जो है असिस्ट कंसिस्ट करते हैं आपको ये बताना है। तो SAC कोड देश अंक होते हैं इसमें, तो इसमें कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है, इसमें होते हैं 6 अंक, आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में आप सभी पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? अब ये क्वेश्चन जो है भारत कब आजाद हुआ था वही क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है और घुमाने के साथ साथ आप इसमें कई सारे लोग तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये वही क्वेश्चन है कि भारत कब आजाद हुआ था, है ना, वही क्वेश्चन है 1947, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन भंडारण प्रयोग को समाप्त करना है? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा रासायनिक हथियार सम्मेलन हुआ था CWC, आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में नामित किया गया था, इनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम है कैप्टन बाना सिंह, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का जो मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो जाएगा। अगला है मैक्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देख सकते हैं आप।
आपके क्वेश्चन बना है 120 नंबर का क्वेश्चन। एन ओ डबल ए का मतलब क्या है? एन ओ डबल ए का मतलब आपको बताना है नेशनल ओशियन एंड एटमोस्फियर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल नेशनल यहाँ से ओशिनिक ओशेनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है आपको बताना है? तो ये हो जाएगा असम। असम जो है चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका, तो इसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ये रहेगा यूएपीए। यूएपीए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला है, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य लाभ है यह है प्रदर्शन को मापना। प्रदर्शन को मापना यानी कि मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मापना, यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देश वह धन है जो वेद तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिताब किताब रखा जाता है। क्लियर है? इसके लिए आयकर या अन्य कर जो है कर का भुगतान किया जाता है, तो वह धन क्या होता है? वह धन होता है सफेद धन, सफेद धन, व्हाइट मनी, ये होती है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिले हैं आपको, ब्लैक मनी, ओल्ड करेंसी, व्हाइट मनी और न्यू करेंसी। तो आपका व्हाइट जो मनी है, व्हाइट मनी, सफेद धन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? यह आपका उद्देशिका यानी प्रस्ताव से, भारत के संविधान की प्रस्तावना से दूसरी बार ये क्वेश्चन बना है, इससे पहले भी आपका एक बार और बन चुका है। अब यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य जो क्षेत्र है इसके बीच में स्थित है? अरावली और विंध्य दोनों के बीच में जो आता है ये आता है मालवा का पठार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो कंटेंट क्यूरेशन जो बोला जाता है ये किस इसका अर्थ क्या है बेसिकली ये आपसे पूछा है। ये होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, यानी कि सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द अदर सोर्स, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पेनिसिलिन की जो खोज थी ये किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो भारत रूस वार्षिक जो शिखर सम्मेलन है इसका महत्व है राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गाइस यहां पर जीके के जो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 37 या 38 वो हमने आपको कवर करवा दिए हैं। 37 38 क्वेश्चन जो भी पूछे गए आपके एग्जाम में कवर करवा दिए हैं हमने। अब आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपका जो पैटर्न है किस तरफ जा रहा है, और जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में बन रहे हैं वो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन पर आप अच्छी खासी कमांड करेंगे क्या, क्योंकि लगातार आपके उन टॉपिक से जैसे कि आपका संविधान से क्वेश्चन आ रहा है, दिवस वाले क्वेश्चन आए, इसके अलावा विमुद्रीकरण, आरबीआई से क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जैसे कि साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं, और करंट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपी जीके से क्वेश्चन आपका बना है एक दो क्वेश्चन, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप लगातार देख कर जाइए। क्लियर है? ये इस तरह के क्वेश्चन आप फुल फॉर्म वगैरह आप देख के जाइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्लियर है? अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने जीके जो है कवर करवा दिया, अब हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी से ये फटाफट हम आपको कवर करवा देते हैं, और कवर करवा देते हैं हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट अप करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी हम निकाल लेते हैं बिल्कुल। गाइज गद्यांश सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपको, गद्यांश यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले, ऊपर इधर रीजनिंग है, रीजनिंग जस्ट बाद में हिंदी स्टार्ट हुई है, हिंदी को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 से 24 गद्यांश आपको दे रखा है, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुक्ति,
यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है सुक्ति है, तो नम्र और उच्चस्य दोनों बनो। क्लियर है? ये कहता है आपका ऑप्शन डी आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, किस शब्द का अर्थ कोमल है, तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? निम्न में से कौन सा शब्द, आप अगर कोई दिक्कत आए यहाँ पर तो आप ये जो इसमें पूरा आप पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद में आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, तो मृदुल हो जाएगा, मृदुल यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुक्ति है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको बता दे रहे हैं आपको। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसका जो उचित शीर्षक है ये है आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन रहेगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार की मृदुलता, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से नम्र उच्चाशय बनाती है ये, व्यवहार की मृदुलता सी ऑप्शन आंसर रहेगा। कभी की कुल बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है, यहाँ पर आपको देखने देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा ये अद्भुत रस जो है ये देखने को मिल रहा है, अद्भुत रस यानी कि आपका सी ऑप्शन आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करिएगा, निम्न में से सही लोकोक्ति यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर सही लोकोक्ति है ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना नोमन तेल होगा ना राधा राधा नाचेगी, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, इनमें से जोड़ा आपको बताना है जो समरूपी भिन्नार्थक है, करेक्ट आंसर आपका अवधि और हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चरण कमल में आपको बताना है, चरण कमल में कौन सा समास आधारित समास यहां पर होगा, इसके अलावा सरोज शब्द का पर्याय शब्द कौन सा हो जाएगा, सरोज शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन यहां से भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको विजिबल है, क्वेश्चन है हमारा, स्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, वे के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है, तो सही जो कहावत है इसके भाव को व्यक्त करने वाली ये हो जाएगी कौन सी, दुविधा में दोनों गए माया मिलाना राम, दुविधा में दोनों गए माया मिलाना राम, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, सही अर्थ वाला जो शब्द युग्म है ये हो जाएगा कौन सा, ये होगा आकर आकर आकार, आकर यानी खान, आकार यानी आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोबल में कौन सी संधि है, मनोबल में जो संधि हमें दिख रही है यहाँ पर विसर्ग, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। विग्रह दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, यहाँ पर आपको बताना है विग्रह की दृष्टि से अनुचित आपको बताना है कौन सा है, तो अनुचित वन विवास वनवास जलधारा जलधारा चंद्र का प्रकाश प्रकाश, यहाँ पर आपका देश पर निकाला, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदी में वर्णों की संख्या है कितनी है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हो जाएगी टू, आपका डी ऑप्शन आंसर रहेगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण जो स्थान है ये कंठ है, कंठ आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, घुड़दौड़ जो समास है इसमें आता है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन वाला। अंधा युग किसकी कृति है, अंधा जो युग है ये कृति भारती की आंसर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य चयन का चयन आपको करना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रेम में भगवान इस रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये जो पुरस्कार है ये भारत सरकार का शिक्षा मंत्री पुरस्कार इनको दिया गया, सी ऑप्शन। हिंदी की ठ ध्वनि आपको बताना है, हिंदी की जो ठ ध्वनि है ये आपको बतानी है, तो ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य डी ऑप्शन। क्लियर है? निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही है, में से समुद्र है समुद्र और आदित्य आदित्य यानी सूर्य होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन का आंसर रहेगा, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है, मात्राएं जो होती है ये होती है 11, इसमें 11 मात्राएं होती है, ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है,
के लिए जो कारक का चिन्ह है ये है संप्रदान का संप्रदान। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए अगला है इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द हो जाएगा इंद्रिय। इंद्रिय फर्स्ट ऑप्शन वाला। अगला है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास बताना है, अव्ययीभाव भाव समास आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है लोकायतन। लोकायतन कृति के लिए सुमित लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? ये जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया सुमित्रानंदन को। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, तो आभार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पांसुपन का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पर आपका जानवर, यहाँ पर आपको जो मूल्य दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से बना आपको बताना है कौन सा है? तो आप उपसर्ग से बना जो शब्द है, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अमी का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है? अमी का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमी का सुधा, सुधा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, स्वर संधि का उदाहरण पवन, पवन वाला। चलिए नेक्स्ट है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग, गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा गीदड़ी, यानी कि ऑप्शन डी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान से ऑप्शन के साथ में चला जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल आपको देखने को मिल रहा है? आसन्न भूतकाल जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है आपको दिख रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य में आपको मिल रहा है यहाँ पर, समुच्चय बोधक अव्यय जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर सीता और गीता पति है, यानी कि सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अपन ऑप्शन नंबर डी वाला। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हिंदी जीके आपको सारा कवर करवा दिया है। अब यहाँ पर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए उन पर आप अच्छे खासे कमांड रखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक आपको लगातार शुरू स्टार्टिंग से कल से देखने को मिल रहा है फर्स्ट शिफ्ट से, वही टॉपिक ज़्यादातर आपको अब देखने को मिल रहे हैं ले रहे। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट से गए पर हमने पूरा चैप्टर वाइज दे रखा है, दो और सेक्शनल वाइज डले 500 से अधिक टोटल हैं उसमें। आपके लिए ऑफर चल रहा है, अभी जल्द ही ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, काफ़ी कम प्राइस में अब आपको मिल रही है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो सभी के पास में पहुंच पाए। और इस वीडियो की पीडीएफ लिए आपको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।